अस्सलाम वालेकुम। आज आपका चिकन कैसेडिया बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने चिकन ब्रेस्ट के 3 पतले फिले ले लिए हैं, 3 कलर की लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्चें, 1 अदद छोटी लंबाई में कटी हुई प्याज, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, 6 अदद टोर्टियाज़। अगर आपके पास टोर्टियाज़ नहीं है तो आप घर की आम रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप चेडर चीज़, 1 कप मोज़ेरेला चीज़। सब चीज़ों को एक बॉल में मिक्स कर लेंगे। नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर, लहसुन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सबको मिक्स कर लें। मिक्स किए हुए मसालों को हम चिकन पर लगा देंगे। मसाले हमने चिकन पर लगा दिए हैं, अब हम इसको कुक कर लेंगे। पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, अब इसमें चिकन डालकर 5 से 6 मिनट तक कुक कर लेंगे। दो से तीन मिनट के बाद चिकन को पलट देंगे। चिकन कुक हो गई है, अब इसको निकाल के काट लेंगे और इसी ऑयल में ये सब्जियां डाल देंगे और इनको 5 मिनट तक पका लेंगे। चिकन को काट लेंगे। चिकन को हमने काट लिया है, सब्जियां तैयार हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून मक्खन डाल दिया है, अब इस पर टोटिया रख देंगे। टोटिया पर चेडर चीज़ और मोज़ारेला चीज़ लगा देंगे। इस पर सब्जियां और चिकन डाल देंगे। इस पर मज़ीद चीज़ डाल देंगे और ऊपर दूसरी टोटिया रख के और इसको नीचे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और बहुत ही एहतियात से इसको पलट लेंगे। दोनों तरफ से जब पक जाए तो इसको हम निकाल लेंगे और सारे केसेडियाज इसी तरह बना लेंगे। केसेडिया को आप काट कर सर्व कर देंगे। चिकन केसेडिया बिल्कुल तैयार है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका चिकन केसेडिया कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।